यही चाहता हूँ सरकार को, एक ही बजट है, सिर्फ थोड़ी छूट बढ़ा दे और थोड़ी सुविधाएं बढ़ा दे और क्या, बाकी के तो सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा गाड़ी या टाइम टेबल से चलने लगे तो ये सुविधाएं ज्यादा रहेंगी ज्यादा। पहले तो सेफ्टी, ऑफ कोर्स सेफ्टी तो चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी ऐसे चढ़ जाता है एंड वो लोग आके बैठ जाते हैं। हम लोग उनको मना भी करते हैं, फिर भी वो लोग दिया लाइक कि नहीं हम लोग बैठेंगे, और एकदम ऐसे हुल देते हैं कि नहीं हम लोग बैठेंगे करके। तो हम लोग को ऐसा डर लगता है, एस्पेशली गर्ल्स जब रहते हैं। तो आई थिंक कि वो एक चीज़ होनी चाहिए कि टीसी लोग जो रहते हैं उनको ये सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड ऑफकोर्स क्लेनलीनेस, जो वॉशरूम्स जो रहती है वो कभी क्लीन नहीं रहती है। ऑल्सो जो पैसेंजर्स चढ़ते हैं वो लोग वॉशरूम इधर सब सो जाते हैं, डोर के यहाँ पे सो जाते हैं, उनको बोलते हैं ना तो वो लोग बहुत रूड रहते हैं। तो वो सब चीज़ें ज़रा ध्यान देनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात सेफ्टी, फिर सैनिटाइजेशन जो है, टॉयलेट जो है बहुत अनक्लीन रहते हैं। फिर जैसे हम लोग मुंबई से अभी पहली बार अभी चंडीगढ़ आए, तो जो बीच में जो लोकल स्टेशन थे तो रिजर्वेशन हमारी थी, फिर भी ज़बरदस्ती करके या ऐसे कुछ तो एक घंटा है दो घंटा हमें बैठने तो ऐसे करके लोग बैठते हैं, लोकल्स सुनते नहीं है, तो वो एक चीज़ थोड़ी मैनेज होनी चाहिए। अभी जैसे कि मतलब हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हमारी ट्रिप में भी मोस्टली सब लड़कियां ही हैं, हम जनरल कोचवेज में ट्रैवल करते हैं, तो कितनी बार ऐसे होता है कि मतलब लोकल पीपल भी हमारे साथ आते हैं ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग को सेफ्टी इश्यूज़ हो जाती है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि सभी, मतलब सभी की मेंटालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब पीकर आते हैं और छेड़खानी करते हैं। जैसे हम जब मुंबई से यहाँ आ रहे थे, अमृतसर जब हम जा रहे थे, तभी ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, तो हमारे जो टूर ऑपरेटर्स थे उनको ही संभालना पड़ा था। मतलब ऐसे हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक कोच में आप एक कॉन्स्टेबल को तो मतलब रख ही सकते सेफ्टी इश्यूज़ के लिए, क्योंकि सिर्फ लड़कियों की बात नहीं होती है ना, क्योंकि कितनी औरतें होती है बच्चों के साथ होते हैं, या फिर कुछ बच्चे ही ट्रैवल करते जैसे हम कर रहे थे, एक वो बात हो गई। फिर टॉयलेट्स इतने अनक्लीन होते हैं तो हमें जाने नहीं होता है, क्योंकि अभी क्लेनलीनेस नहीं होगा तो हमें हो सकता है कुछ बीमारियाँ हो जाए, ये सब तकलीफ़ें होती है। तो एक बार वो सुविधाएँ मिल जाए हमें तो वो अच्छा पड़ेगा हमें। जी सबसे पहली बात तो फर्स्ट एड रखना ज़रूरी है, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ रहना ज़रूरी है। ट्रेन में एक अलग से एक यही कोच ही रहना चाहिए फर्स्ट एड के लिए, हर फैसिलिटीज़ स्पेशली लेडीज़ के लिए वो ज़रूरी रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेंस आती है, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो फैसिलिटी रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक कोई भी ट्रेन में देखा नहीं गया है। पहले ना फर्स्ट एड रखनी चाहिए, क्योंकि स्लीपर ट्रेन में फर्स्ट एड नहीं होती, और स्लीपर में बहुत लेडीज़ ट्रैवल करती है, प्रेग्नेंट होती है, बुढ़े औरतियाँ भी होती है, तो उनको कुछ हो जाए तो उनके लिए मेडिसिन इनकेस उनके पास नहीं रहेगी इमरजेंसी के लिए, तो ट्रेन में होनी चाहिए। दूसरी की वॉशरूम्स क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लड़के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से डील करते तो वॉशरूम अच्छी नहीं, तो कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर कोई ड्रिंक करके चढ़ रहा है तो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देना चाहिए और बाहर रोक देना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में लेडीज़ होती हैं, मतलब बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो हमें नहीं पता कौन किसको क्या छेड़ेगा। और हाँ, जिसके पास टिकट्स नहीं होती है प्लीज़ उनको मत डालिए, मतलब ज़्यादा वेटिंग लिस्ट मत रखिए, क्योंकि जो जिसके पास टिकट होती है रिजर्व उनको प्रॉब्लम हो जाती है,